हेलो दोस्तों, वेलकम टेक निल क्रिएटिव। तो आज हम अनबॉक्स करेंगे ओप्पो की 46 mm की ड्यूल 3D कर्व्ड एजेस स्मार्ट वॉच। जी हाँ दोस्तों, ये ओप्पो की एक बहुत ही प्रीमियम फ्लैगशिप डिज़ाइन में स्मार्ट वॉच है। इसमें दो वेरिएंट आते हैं दोस्तों, एक आता है 41 mm एंड एक 46 mm। पर माई फ्रेंड्स, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप 46 mm का लीजिए अगर आप लेने की सोच रहे हैं तो। एंड क्योंकि 41 mm में, क्योंकि आप देखेंगे तो उसमें एजेस जो हैं वो कर्व 3D कर्व नहीं है जिस तरह 46 mm के वेरियंट में है। तो माय फ्रेंड्स, जानेंगे इसके कुछ की स्पेसिफिकेशंस क्या है, ये अपने प्राइस सेगमेंट में लेना वर्थ है कि नहीं, और इसके क्या क्या स्पेसिफिकेशंस हैं। और दोस्तों, इसमें सबसे बड़ी जो खास बात मिलेगी आपको वो है वूक चार्जिंग। जी हाँ, 30 मिनट्स में वॉच को कंपनी क्लेम करती है फुल चार्ज हो जाता है। जो मैं ट्राई करा है, 35 to 40 मिनट्स में फुल चार्ज हो जाती है माई फ्रेंड्स। एंड इसका 14 डेज तक का बैटरी बैकअप है जो कंपनी अगेन क्लेम करती है, पर बैटरी बैकअप वेयर माई फ्रेंड्स, इसका स्टैंड बाय टाइम इतना आपको नहीं मिलेगा। आपको हार्डली अप्रॉक्सीमेटली एक हफ्ते तक का मिलेगा अगर आप कंटिन्यूस हार्ट रेट मॉनिटरिंग वगैरह बंद करते हैं, एंड वरना आपको हार्ड यूसेज में 1 से 2 दिन का बैटरी बैकअप मिल जाता है। तो आई थिंक आजकल सारी ज़्यादातर स्मार्ट वॉचेज में इतना ही बैटरी बैकअप मिलता है, आपको काफ़ी सफिशिएंट बैटरी बैकअप है। तो चलिए दोस्तों, इसको करेंगे अनबॉक्स और जानेंगे कुछ की स्पेसिफिकेशन के। तो जल्दी जल्दी से करते हैं इसको अनबॉक्स। तो दोस्तों, ये है ओप्पो की स्मार्ट वॉच 46 mm की। जी हाँ दोस्तों, तो अगर आप लेने की सोच रहे हैं तो 46 mm का ही लीजिएगा आप, 41 mm में, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि कर्व्ड एजेस नहीं है। तो चलिए जल्दी से इसको करेंगे अनबॉक्स। तो दोस्तों, ये है ओप्पो की स्मार्ट वॉच। जी हाँ, आप देख सकते हैं कि इतने प्रीमियम फिनिश में बनाई गई है ये। आप साथ ही साथ देख पा रहे हैं इसके ड्यूल कर्व्ड एजेस काफ़ी अट्रैक्टिव है। पीछे हार्ट रेट सेंसर दे रखा है एंड चार्जिंग पिन्स भी पीछे मैग्नेटिक ही हैं। एंड चलिए इसको ऑन कर लेते हैं। काफ़ी प्रीमियम डिज़ाइन तो है ही, साथ ही साथ स्ट्रैप क्वालिटी की भी बहुत अच्छी सिलिकॉन फिनिश है। एंड यहाँ पे दे रखे हैं इसके स्पीकर्स एंड माइक्रोफोन भी यहीं दे रखा है, जिससे आप इजीली कॉल भी उठा सकेंगे वॉच से ही। एंड देखते हैं चलिए बॉक्स में और क्या है। बॉक्स में दोस्तों साथ में दे रखा है इसका मैग्नेटिक चार्जर जो वूक चार्जिंग सपोर्ट करता है, काफ़ी बड़ा प्लस पॉइंट है। जी हाँ दोस्तों, फास्ट चार्जिंग है इसमें, वूक चार्जिंग सपोर्ट करता है ये। एंड साथ में मैनुअल है। एंड दोस्तों, ये वॉच है वाटर रेजिस्टेंट अप टू 50 मीटर्स, तो ये काफ़ी प्लस पॉइंट है। वाटर रेजिस्टेंट होने की वजह से आप इजीली इसको स्विमिंग पूल वगैरह में भी पहन के जा सकते हैं। वॉच हमारी ऑन हो चुकी है। तो ये है दोस्तों ओप्पो की स्मार्ट वॉच, देख सकते हैं आप कितने प्रीमियम फिनिश में बनाए रखी है। एंड साथ में साथ आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कितने सारे ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल हैं आप पे। आप इसी से कॉल कर सकते हैं, कॉलिंग आप इसी से मिला भी पाएंगे। ब्लूटूथ से बस कनेक्ट होनी चाहिए आपकी वॉच, और इसी से आप रिसीव भी कर पाएंगे। एंड यहाँ पे डेली एक्टिविटीज़ आप ट्रैक कर पाएंगे, हार्ट रेट मेजर कर पाएंगे, एंड काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। स्लीप ट्रैक कर पाएंगे अपनी साथ ही साथ। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं फिटनेस ऑप्शन कितने अलग अलग दे रखे हैं, आउटडोर रन एंड बहुत सारे ऑप्शन हैं दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं जैसे। एंड साथ ही साथ आप अपने मोबाइल में पेयर करके वेयर ओएस से भी इसको कनेक्ट करके इसके वॉच फेसेस चेंज कर पाएंगे। एंड यहाँ पे इसकी नोटिफिकेशन चेक करने के लिए आप यहाँ पे नोटिफिकेशन भी चेक कर सकते हैं, गूगल असिस्टेंट भी एक्टिवेट कर सकते हैं। ऊपर से स्लाइड डाउन मेन्यू में आप देख पा रहे हैं एयरप्लेन मोड है, सेटिंग्स हैं, काफ़ी ऑप्शन हैं। यहीं से आप इसके डिस्प्ले ऑलवेज ऑन भी सेट कर सकते हैं, एंड दोनों ऑप्शन हैं, पर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में बैटरी काफ़ी कंज्यूम होती है। तो कनेक्टिविटीज भी आप देख पाएंगे यहाँ पे दे रखी है, तो ब्लूटूथ से आप कनेक्ट कर पाएंगे, NFC इसके अंदर, वाईफाई है, तो आई थिंक ऑलमोस्ट सारी ही कनेक्टिविटीज़ जो मैंडेटरी सारी दे रखी हैं, खासकर NFC का भी यूज़ आ ही जाता है। एंड साथ ही साथ दोस्तों, अब आप देख पा रहे हैं कि इसको मैं पहन के दिखा देता हूँ आपको कि किस तरीके से इसकी फिनिश है। एंड बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी प्रीमियम है स्ट्रैप की। एंड पहनने के बाद आपको दोस्तों बिल्कुल ऐसे लगेगा कि आप कोई फ्लैगशिप प्रीमियम वॉच ही पहन रहे हैं। नो डाउट दोस्तों कह सकते हैं कि आई वॉच को टक्कर देती है इसका डिज़ाइन, एंड काफ़ी प्रीमियम फंक्शंस भी हैं इस प्राइस सेगमेंट के अंदर। चलिए हार्ट रेट सेंसर एक बार ऑन करके आपको हार्ट रेट मेजर करा देते हैं। एंड इसकी हार्ट रेट सेंसर काफ़ी एक्यूरेट भी हैं, इसके लिए साथ में आपको ऑक्सीमीटर लगा के एंड एक हार्ट रेट सेंसर के थ्रू आपको चेक करवा देता हूँ कि कितना एक्यूरेट है कि नहीं, इससे आपको एक तसल्ली हो जाएगी कि इसकी एक्यूरेसी कितनी है। जैसे अभी आप देख पा रहे हैं 115 बीट्स पर मिनट है हार्ट की। अब मैं यहाँ पे एक ज़रा एक पल्स मीटर से एक बार चेक कर लेते हैं कि कितने एक्यूरेट है ये वॉच। वैसे तो काफ़ी एक्यूरेट है इसका हार्ट रेट सेंसर, फिर भी मैं आपको लाइव चेक करा देता हूँ। जैसे देखिए आप देख पा रहे हैं, अब मैं यहाँ पे भी दिखा देता हूँ आपको, दोनों तरफ मेजर हो रहा है।
तो आप जैसे देख पा रहे हैं कि देखिए 113 बीट्स पर मिनट आ रहा है वॉच में एंड 114 आ रहा है पल्स मीटर पे, तो काफ़ी एक्यूरेटी है एक हद तक। तो जैसे कि मैंने आपको दिखाया है कि देखिए कितना एक्यूरेट हार्ट रेट सेंसर भी है इसका, एंड साथ ही साथ दोस्तों मतलब इसका जो ड्यूल कर्व डिज़ाइन है वो तो बहुत ही प्रीमियम फिनिश देता है इस वॉच को। साथ ही साथ अब आप देखेंगे इसके और फंक्शंस के बारे में हम बात करेंगे। स्ट्रैप अगर आप देखिए इसका चाहें तो आप दूसरे कलर का भी डिज़ाइन मंगा सकते हैं, पर इसका ब्लैक स्ट्रैप काफ़ी यूनिक ही है। एंड फिटनेस मोड्स और भी दे रखे हैं इसके अंदर। साथ ही साथ आप और मैं आपको बता देना चाहूँगा कि इसके अंदर आप प्ले स्टोर से ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, अलग अलग ऐप्स मिल जाएंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप रीडिंग ऐप्स या फिर न्यूज़ ऐप डालना चाहते हैं वो भी डाल सकते हैं। एंड काफ़ी ज़्यादा ही फीचर्स है इस वॉच में इस प्राइस सेगमेंट के अंदर देखा जाए तो। एंड आप अगर और फीचर्स की बात करेंगे तो म्यूज़िक कंट्रोल भी आप इसी से कर सकते हैं, जी हाँ। एंड स्पॉटिफाई ऐप भी डाउनलोड हो सकती है इसके अंदर, मैंने कर रखी, मैं आपको दिखाता हूँ। एंड काफ़ी ही मतलब इस वॉच के अंदर आई थिंक सब कुछ ही दे रखा है इस प्राइस सेगमेंट के अंदर। दोस्तों ये काफ़ी ही एक फ्लैगशिप वॉच है। एंड इसके और फंक्शंस के बारे में आपको थोड़ा बता दूँ। सबसे पहले तो दोस्तों वूक चार्जिंग में दिखाना चाहूँगा आपको इसकी मैं, तो चलिए मैं आपको पहले इसकी चार्जिंग दिखा देता हूँ। तो ये है इसका वूक चार्जर। अब चार्जिंग स्पीड की बात की जाए दोस्तों तो कंपनी क्लेम करती है कि 30 मिनट्स के अंदर फुल चार्ज हो जाता है ये, पर अप्रॉक्सीमेटली मैंने तो देखा दोस्तों 45 मिनट्स लग जाते हैं वॉच को चार्ज होते होते पूरा। पर बैटरी बैकअप भी काफ़ी अच्छा है इसका, जैसे आप देख पा रहे होंगे कि इसमें आप मतलब बैटरी बैकअप की बात की जाए कंटिन्यूस आपको मिल जाता है 2 से 3 दिन का अगर आप हार्ड यूसेज कर रहे हैं, वरना आपको मिलेगा मतलब हार्डली, अगर आप हार्ट रेट सेंसर बंद कर देते हैं कंटिन्यूस तो आपको मिल सकता है 1 हफ्ते तक का बैटरी बैकअप। साथ ही साथ ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी ऑप्शन है इसमें दे रखा है, आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑन कर सकते हैं इसमें वॉच फेस, फिर आपको मतलब वॉच का टाइम हमेशा दिखता रहेगा, डिस्प्ले ऑन रहेगा, पर बैटरी कंजम्पशन काफ़ी बढ़ जाता है उससे दोस्तों। एंड मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ऑलवेज ऑन ना ही ऑन करें डिस्प्ले, क्योंकि आप जैसे ही रिस्ट अपनी वेक करेंगे उठाएंगे तो ऑटोमेटिक टाइम दिखाई देता है। आई थिंक वो फीचर दे रखा है तो उसी को यूज़ करने में फ़ायदा है, जिससे हमारी बैटरी भी बचेगी। एंड ये ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में ऐसा दिखता है इसका। एंड देखिए चार्जिंग स्पीड भी आप देख ही पा रहे हैं कि काफ़ी स्पीड से चार्ज हो रही है घड़ी, तो आई थिंक ये वॉच काफ़ी फास्ट ही चार्ज होती है बुक चार्जिंग, मतलब इसका जो है फॉल्स क्लेम नहीं है। साथ ही साथ 2 बटन दे रखे साइड में इसके दोस्तों, एक है आपको होम बटन एंड एक है ऐप्स को टॉगल करने के लिए ऑन करने के लिए बटन। एंड जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि देखिए और ऑप्शन यहाँ पर क्या क्या हैं, तो आपको मैं दिखा देता हूँ कि यहाँ पर आप सारी ऐप्स भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं ज़्यादातर, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे स्विगी वगैरह पे भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि आपका ऑर्डर कहाँ तक पहुँचा या नहीं पहुँचा। स्पॉटिफाई जैसे डाउनलोड कर रखी है इसमें, एंड वॉशिंगटन पोस्ट या फिर टाइम्स ऑफ इंडिया आप न्यूज़ भी पढ़ सकते हैं। इसमें जायरोस्कोप सेंसर भी दे रखे हैं तो आप कंपास भी चला सकते हैं। एंड बारोमीटर है तो आप प्रेशर या हाइट पे हैं तो वो भी मेजर कर सकते हैं। एंड साथ ही साथ दोस्तों इसमें एमोलेड डिस्प्ले है जो काफ़ी एक अच्छी चीज़ है। साथ ही साथ एम्बिएंट लाइट सेंसर भी इसका अच्छा है, बाहर डे लाइट में आप ऑटोमेटिक लाइट एडजस्ट करने में ये बहुत इजीली लाइट के अडाप्ट करके उस हिसाब से डिस्प्ले चलता है। एंड स्विगी के ऑर्डर्स भी आप देखिए इजीली इसमें ट्रैक कर पाएंगे, अगर आपने कोई ऑर्डर कर रखा है तो आप मैप इसका बना आ जाएगा, आप देख पाएंगे कि आपका ऑर्डर भी कहाँ तक है, तो आई थिंक एक अच्छा फीचर है। एंड साथ ही साथ दोस्तों इसमें आपको मिल जाता है एक क्वालकॉम का 3100 स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर, जो सबसे आई थिंक मेन बात है। एंड इसी तरह आप म्यूज़िक भी यहाँ पे स्पॉटिफाई का जैसे है तो आप चेंज कर पाएंगे, तो म्यूज़िक भी आप इसी से कंट्रोल कर पाएंगे अपने फ़ोन का, तो आई थिंक ये बहुत बड़ा एक प्लस पॉइंट है। आप अपने सारे नॉर्मल SMS एंड व्हाट्सएप के SMS पढ़ तो पाएंगे, साथ ही साथ इंस्टेंट रिप्लाई भी कर पाएंगे, तो ये भी एक बहुत अच्छा फीचर है इसमें। दोस्तों हाथ में देखने में भी काफ़ी स्लीक डिज़ाइन में आती है, अगर इसका आप लुक देखेंगे तो काफ़ी एक प्रीमियम स्मार्ट वॉच है। कहीं से भी आपको ये सस्ती वॉच किसी के हाथ में लगेगी, 3D पूरा कर्व्ड इसके आप देख पा रहे होंगे एजेस, काफ़ी ही प्रीमियम लुक देते हैं हाथ में, एक अलग ही प्रीमियम एक वॉच की पूरी बिल्ड क्वालिटी है। स्ट्रैप क्वालिटी भी काफ़ी सिलिकन में इसमें अच्छी क्वालिटी दे रखी है इन्होंने, बिल्ड क्वालिटी भी स्ट्रैप की भी काफ़ी अच्छी है। वेरस काफ़ी ही फंक्शनलिटीज़ भी इसके आप देखेंगे तो मैं आपको जैसे दिखाई चुका हूँ, पर बहुत इजीली आप हर चीज़ मतलब यू नो कन्वीनियंटली चेंज भी कर पाएंगे, स्वाइप भी कर पाएंगे। डे लाइट भी इसके बाहर की अगर आप बात करें, एम्बिएंट सेंसर भी बहुत अच्छे से काम करता है इसका, ऑटो एडजस्ट करता है एम्बिएंट सेंसर भी इसकी लाइटिंग को। बाकी मैं फ्रेंड्स ऑलमोस्ट इस प्राइस सेगमेंट में आई थिंक ड्यूल 3D का वूक चार्जिंग के साथ आई थिंक ये पहली ही वॉच है जो इतने प्राइस सेगमेंट में निकाली गई है। प्राइस सिर्फ इसका आपको मिलेगा दोस्तों 20,000 रुपीज़ का नॉर्मल, अगर आप खरीद रहे हैं, अगर आप सेल में खरीद रहे हैं तो आपको ये मिल सकती है 16,500 तक की,
पर यूजुअली दोस्तों इसका रेट जो है 20,000 का चलता है ज़्यादातर फ्लिपकार्ट पे, एंड अमेजोन पे भी इतना ही रेट रहता है इसका अप्रॉक्स। और 41mm की बात की जाए तो दोस्तों वो मिल जाता है आपको 14,990 का, पर वो मैं अगेन आपको रेकमेंड नहीं करूँगा दोस्तों, क्योंकि आपको मैं जैसे बता ही रहा था कि 41mm में आपको एक कर्व जो है स्क्रीन में वो देखने को नहीं मिलेंगे, जो काफ़ी एक आई थिंक इसका की का जो USP है वो पर्टिकुलरली इस वॉच का यही है कि आपको इसमें ड्यूल कर्व एजेस में देखने को मिलते हैं, वरना तो आई थिंक इस वॉच में आपको भी कुछ खास ऐसा लगेगा नहीं। अगर सारी स्मार्ट वॉचेज आजकल दोस्तों एक ज़्यादातर एक जैसी हैं, पर ठीक है एनी हाउ उसमें फंक्शनैलिटीज़ काफ़ी मिल गए हैं, म्यूज़िक कंट्रोल, ब्लूटूथ कॉलिंग, आई थिंक उस हिसाब से तो सारे ऑल इन वन पैकेज है। आपका आई वॉच अगर आप लेने की सोच रहे हैं तो आप इसको भी ले सकते हैं, क्योंकि आई वॉच में देखिए फ्रेंड्स ये सीन रहता है कि आई वॉच सिर्फ एप्पल से कंपैटिबल है, वेरस ये iOS एंड्रॉइड सबसे कंपैटिबल है, तो उस हिसाब से आई थिंक ये बेस्ट बाय है दोस्तों। तो ओप्पो की वॉच अगर आप लेने का सोच रहे हैं, अगर आपका बजट है 20,000 तक का एक स्मार्ट वॉच का, तो आई थिंक दोस्तों ओप्पो नो डाउट ने ये बहुत अच्छी वॉच निकाली है, सो यू कैन ईजिली श्योरली गो फॉर दिस विदाउट एनी हेजिटेशन। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।